नमस्कार, एमबी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशी तिवारी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारी न्यूज के साथ। ओरछा कांग्रेस भ्रष्टाचार का अड्डा बनकर रह गई थी। प्रदेश का कोई विकास नहीं किया। गरीबों के 5,000 जो दाह संस्कार के मिलते थे उसे भी बंद कर दिए। ट्रांसफर उद्योग खोल दिया गया जो बल्लभ भवन में अधिकारियों कर्मचारियों के ट्रांसफर हुआ करते थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज ग्राम नगरा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलेश जाटव को जिताने की सभा को संबोधित किया, जिसमें जिलाध्यक्ष योगेश पाल गुप्ता, आनंद सिंह तोमर, साहब सिंह तोमर, राम कुमार गुप्ता, रामवीर सिंह तोमर, महाराज सिंह तोमर, धर्मेंद्र सिंह तोमर, जय प्रताप सिंह तोमर, पिंकू सिंह तोमर, दीपक सिंह तोमर आदि ने उद्बोधन दिया। मुकेश दीदी श्री चौहान ने कहा कि बल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया था। क्षेत्र की जनता के विकास के लिए बीजेपी वचनबद्ध है। चंबल एक्सप्रेसवे उसे घाट का पुल शीघ्र ही बनेगा। पोरसा से नीरज उर्फ धर्मवीर पजौरी की रिपोर्ट। नहीं होते तो हाथ पकड़ के बाहर निकालते और कहते चलो 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 अभी समय नहीं है, बाद में देखेंगे। आज उसी सरकार को लेके मैंने 15 महीना सबर किया कि अब नहीं तो अब करेंगे विकास, अब नहीं तो अब करेंगे। मैं जो अपनी क्षेत्र की मांगे रख रहा हूँ करेंगे, पर 15 महीने बीत गए, बिल्कुल उनके तरफ से मत नहीं हुआ। उनका विकास का मुद्दा सिर्फ था तो मध्य प्रदेश में एक ही जिला था, वो छिंदवाड़ा जिला था। छिंदवाड़ा जिले से मैंने एक दिन पूछा भी था कि माननीय सीएम साहब, क्या छिंदवाड़ा जिले से अकेले मध्य प्रदेश की सरकार बनी है? क्या मुख्यमंत्री छिंदवाड़ा जिले के ही हो? आप पूरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो। इस तरह से चंबल और ग्वालियर के साथ भेदभाव मत करो। ये चंबल की जनता है और हम चंबल के सिपाही है। जनता ने मुझे सिपाही के रूप में आपके यहाँ भेजा है और आपको भरोसा दिलाते हैं कि आप हमारी जनता का मान अपमान सम्मान नहीं रखोगे तो इसका आपको हर्जाना भुगतना पड़ेगा। पर उनके दिमाग में बिल्कुल जू तक नहीं रहेगी। और एक परिस्थिति ये आई कि आप लोगों के वजह से आपके आशीर्वाद जो दिया था वो पुनः मैंने पुनः वापस कर दिया और इसकी बात है कि आप लोगों के बीच में खड़ा हो गया। माननीय हमारे मध्य प्रदेश के एसओसी श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और 2200 विधायक ने इस्तीफा दे के जनता के बीच में खड़े हो गए। जब उनने एक बार कहा था कि जनता के माननीय श्रीमान सिंधिया जी ने कहा था कि हम जनता के लिए चुने हैं और जनता के लिए जरूरत पड़ेगी तो रोड पर उतरना पड़ेगा, तो उनने ये जवाब भी दिया था कि रोड पर उतरना है तो उतर जाए। इस वजह से आप लोगों की जब विकास नहीं हुआ तो हमें रोड पर उतरने की जरूरत पड़ी तो रोड पर उतर गए। वो 15 महीने का कार्यकाल और मात्र ये 5 महीने के कार्यकाल काफी सारी सौगातें दी है कर्मचारियों का। दीपावली से पहले एक बड़ी सौगात 40,000 उन्होंने बड़ा भाग किया हमारे कर्मचारियों ने। कोरोना काल में कुछ चीज़ें हम नहीं दे पाए थे लेकिन उन्होंने खुशी खुशी सहयोग किया। अब देने का समय आया तो हमने धीरे धीरे कमलनाथ ने एक बड़ी बात कही कि उपचुनाव में मैंने सौदेबाजी नहीं की है और ये उपचुनाव बहुत। विधायक जी, चुनाव नजदीक है, आप जनता में घूम रहे हैं, कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है आपको, कितना क्या? चुनाव नजदीक है, बिल्कुल सही बात है। चुनाव में मैं क्षेत्र में जनता के बीच भी जा रहा हूँ और पूर्णतः मुझे आशीर्वाद जनता का मिल रहा है और बड़ा स्नेह प्यार भी मिल रहा है। जिस तरह से कांग्रेस की सरकार में जाता था लोगों की 15 महीने के कार्यकाल में जो काम नहीं कर पाए वो 6 महीने के कार्यकाल में मैंने पुनः जो वायदे कांग्रेस की सरकार में किए थे वो 6 महीने के कार्यकाल में पूर्ण करा दिए। तो जनता का विशेष आशीर्वाद और इसलिए मुझे मिल रहा है, मुझे भरोसा है कि पुनः मुझे आशीर्वाद देकर वो अपने सिपाही के रूप में एक बार भोपाल फिर भेजेगी। दूसरा, आपको क्या लग रहा है चुनौती किससे मिल सकती है? मुझे तो ये लग रहा है कि अगर साथ में कोई रहेगा तो वो बीएसपी पार्टी मेरे साथ रहेगी, क्योंकि लंबे समय का अगर उठा के देखे तो 3-4 बार का जो रहा है सेकंड नंबर पर हमेशा रहती है तो बीएसपी रहती है और बीएसपी ही फिर रहेगी। दूसरे, जैसे आपकी पार्टी से ही कुछ लोग भागे उतर आए हैं, उनसे कितना चुनौती मिल सकती है? मेरी पार्टी के ऐसे कोई लोग नहीं है जो भागे के रूप में उतर के आए हैं। कुछ दो चार लोग नाराज होकर इधर उधर भले ही हो सकती है पर ऐसा कोई नहीं है कि जिसका एक बार नाराजगी हो। सब लोग चल रही है चर्चा और सब लोग
नाराजों को मनाने का काम भी चल रहा है, मनाएंगे। और परिवार में ये रूप रहता है कि नाराज होकर उन्हें मनाने का भी अधिकार होता है, उन्हें पुनः वापस आएंगे।